डॉली जिसकी मोहब्बत में पागल हो रही है वो जान छुड़ा रहा है। समा ने अमीन जतोई को चीन में तलाश कर लिया, लेकिन वो तो कोई और कहानी सुना रहा है। मैं इधर चाइना में हूँ, मैं इधर स्टडी कर रहा हूँ चाइना में गांजो सिटी में, और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैं एक जगह घूमने गया था उधर, और उधर ये मिली थी। इसका पहले पार्टनर बॉयफ्रेंड था, तो इसने मेरा नंबर लिया और फिर मुझसे कांटेक्ट किया। इधर भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, मेरे स्कूल में मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आया था कि मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ सीरियस हो गई कि मैं आपसे रिलेशन रखना चाहती हूँ। इसकी वजह से मुझे स्कूल ने 2 महीने के लिए बाहर निकाल दिया। डॉली पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा रहा है। अब घर जाके, उधर पाकिस्तान जाके मेरे घर वालों किसी ने ब्लैकमेल किया, मेरे भाई से पैसे लिए इन्होंने, इसने पैसे लिए हैं वहाँ से, फिर छोड़ के चली गई 25 दिन बाद, फिर दोबारा अलीपुर आ गई और दोबारा डिस्टर्ब करना शुरू कर दी। 14,000 रुपए उन्होंने डीपीओ के सामने लिए मुजफ्फरगढ़। अमीन ने तो घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। उन्होंने एड्रेस फेसबुक, साफ जाहिर है हर कोई फेसबुक के नंबर लगाता है, हर कोई फेसबुक पे लिखता है भी कौन से सिटी से है, कौन से ये क्या कर रहा है, किधर है, साफ जाहिर है हर कोई निकाल सकता है, जो कि मुश्किल काम नहीं है। सेल्फी पर भी निराली मंतक पेश की। एक ही सेल्फी है जब मैं उनसे मिला था, तो ऐसी चाइनीज काफी सेल्फियां हमारे पास पड़ी हैं, काफी पिक्चर्स होती हैं, क्योंकि हम फॉरनर हैं यहाँ रहते हैं, बहुत से चाइनीज जब हमें देखते हैं तो वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। सिर्फ एक सेल्फी है, वो दूर खड़ी है, मैं भी खड़ा हूँ, हमने ली है। इसकी मैं ये नहीं कह रहा कि उस सेल्फी से आप मेरे ऊपर कसूर डाल दें, मैंने कुछ किया है। मासूमियत से ये तक कह दिया, डॉली से पैसे लिए न शादी का वादा किया।